चलिए आपको सीधा लाइव ले चलते हैं जबलपुर और वहां से सीधी तस्वीर दिखाते हैं जहां सीएम मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। NH 43 का विस्तार इत्यादि बहुत सारे कामों का आज हमने भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। मैं अपनी ओर से ऐसे सारे क्षेत्र के नागरिकों को भी बधाई देना चाहता हूं और ये सौगातों के माध्यम से हम फिर संकल्प करेंगे कि आने वाले समय में इससे बड़ा कार्यक्रम आपकी मौजूदगी में पुनः लोकार्पण का होगा और भूमि पूजन का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सम्मान अविरल विकास की गंगा प्रभावित करने वाले त्वरित निर्णय क्षमता के ओतप्रोत से धनी परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी से अनुरोध करूंगी कि हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी वीरेंद्र कुमार जी, फग्गन सिंह जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा जी, आदरणीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मंत्री राकेश सिंह जी, सांसद सुमित्रा जी, सांसद दाल सिंह बिसेन जी, जबलपुर के माननीय महापौर और उपस्थित सभी भाई और बहनों, जबलपुर में मेरे 10 साल के कार्यकाल में मुझे अनेक बार आने का मौका मिला। जबलपुर पर्यटन के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर भी है। शिक्षा के क्षेत्र में जबलपुर का नाम देश में सबको पता है। जबलपुर मध्य प्रदेश के लिए एक ग्रोथ इंजीन है। जबलपुर में अच्छे उद्योग आए, जबलपुर में पर्यटन का विकास हो, यही भाव सबके मन में है। पर हमारे विकास में अगर विकास की गति अगर हमें बढ़ानी है तो 4 चीजें बहुत ही आवश्यक है जिसके सिवा विकास संभव नहीं है। जो 4 चीजें हैं उनमें से वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जहां तक मेरे पास जो जिम्मेदारी है वो रोड ट्रांसपोर्ट की है। और देश में हमारे यहां जैसे रेलवे है, हवाई जहाज है, कुछ जलमार्ग भी हम बना रहे हैं तो रोड का भी निर्माण हम कर रहे हैं। मैं अक्सर एक बात मैं याद रखता हूं, जब मैं मुंबई महाराष्ट्र में मंत्री था तब से इसको याद रखता हूं, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए मुझे विश्वास है कि जो मध्य प्रदेश में रोड बन रहे हैं, टनल बन रही है, ब्रिजेस बन रही है, इसके कारण मध्य प्रदेश में उद्योग व्यवसाय में बढ़ोतरी आएगी। मध्य प्रदेश में किसानों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म यह ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट केवल रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। खजुरा हो, भेड़ाघाट हो, ये पूरे दुनिया का आकर्षण का केंद्र है। अच्छे रोड होंगे, अच्छे रिसोर्ट होंगे, अच्छे रेस्टोरेंट होंगे तो निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से यहां रोजगार निर्माण होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी। एक समय मध्य प्रदेश का उल्लेख बीमारू राज्य के रूप में करते थे, पर आज मुझे खुशी है कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तब भारत सरकार ने शिवराज जी को अवार्ड दिया था कि कृषि विकास का दर पूरे देश में सबसे ज्यादा जिस राज्य में था उसमें मध्य प्रदेश को यह अवार्ड मिला है। आज मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सिंचाई का भी प्रमाण बढ़ रहा है और जितने प्रमाण में सिंचाई बढ़ेगी
उतने प्रमाण में कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मैं किसान हूं और किसानों में ही काम करता हूं, और विशेष रूप से मुझे विश्वास है कि जब तक गांव गरीब मजदूर और किसान का कल्याण नहीं होगा, गांव जब तक समृद्ध और संपन्न नहीं बनेंगे, स्मार्ट सिटी के साथ जब तक स्मार्ट विलेजेस नहीं बनेंगे, तब तक आत्मनिर्भर भारत बनने में बहुत कठिनाइयां है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि $5 trillion की इकोनॉमी बनानी है। प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत बनना है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को पहुंचाना है। अगर ये हमको करना है तो हमें निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र का भी विकास करना होगा। मैं आज ही मुख्यमंत्री जी को मैंने अनुरोध किया है कि अभी तक मेरे विभाग के द्वारा हमने 1000 तालाब बनाए हैं फ्री ऑफ चार्ज, राज्य सरकार को बनाकर दिए, हमने पैसे नहीं मांगे। हमारे यहां विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की, अकोला में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है वहां 36 तालाब हमने बना के दिए, और जहां 300 एकड़ जमीन पानी के नीचे आती थी अब 4,500 एकड़ पानी के नीचे आई। अजिंठा में जहां जाते हैं वहां बहुत मुश्किल है पानी की, वहां नदी नालों का खोलीकरण किया, रुंदीकरण किया। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और सरकार को यह आह्वान करता हूं कि हमारा जैसे अभी जबलपुर का रिंग रोड बन रहा है, हमको मिट्टी मुरूम लगता है, तो रोड के बाजू में सरकारी जगह पर हम पानी का स्टोरेज टैंक, बड़ा लेक आपको बना के देंगे, जिसमें आगे जमीन में वाटर कंजर्वेशन भी होगा और किसानों को पानी की उपलब्धता होगी। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और घर का पानी घर में। अगर हमारे प्रदेश में अगर 75% जमीन अगर सिंचाई के अंदर आएगी तो गांव समृद्ध और संपन्न होंगे और किसानों का इनकम लाखों में होगा। मैं मानता हूं कि हमारा किसान अन्नदाता है, पर मेरे विभाग के ओर से हमने इनिशिएटिव लिया कि किसान केवल अन्नदाता नहीं रहे, अब किसान ऊर्जादाता बनेगा। मैं खुद जबलपुर क्षेत्र को जितनी बिजली लगती होंगी उतनी बिजली तैयार करता हूं, 90 मेगावाट ग्रीन पावर तैयार करता हूं और 270 मेगावाट थर्मल पावर तैयार करता हूं। हमारे क्षेत्र में किसानों के लिए चीनी मिले चलाता हूं, और मैं ये मानता हूं कि आज विशेष रूप से हमारा जो बायोमास है उसको हम एनर्जी क्रॉप्स में कन्वर्ट करें। मैंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि जो जो हमारा बायोमास है उससे बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार हो रहा है। अब किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बना है। ऊर्जादाता नहीं तो हरियाणा में अभी अपने डांबर बनाना शुरू किया है बिटुमिन, पानीपत में बहुत बड़ा प्लांट वहां डाला गया इंडियन ऑयल के द्वारा, मैं बहुत आग्रह करके उसके पीछे था, जहां जो परली जलाते राइस स्ट्रॉ उससे 1,00,000 लीटर इथेनॉल बनता है, 150 टन बिटुमिन तैयार होता है और 76,000 टन हवाई ईंधन तैयार होता है। अभी ये 2026 में डावोस में ये चर्चा हुई है कि अभी हमारा जो हवाई ईंधन हवाई जहाज का है वो किसान तैयार करेगा, और ये जो ईंधन है ये इसको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कहते हैं, बायोफ्यूल। और मैं जब कहता हूं लोग विश्वास नहीं रखते थे, हमने स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली हवाई जहाज उसमें लाया। 2 साल पहले 26 जनवरी को बड़े प्रमाण पर हमारे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर में बायो एविएशन फ्यूल डालकर वो चली, और अब वर्ल्ड में प्रस्ताव हो गया है कि पेट्रोलियम हवाई ईंधन में 2% हमारा बायो एविएशन फ्यूल आएगा। मेरा अनुरोध है कि मध्य प्रदेश ये ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने वाला, बायो एविएशन फ्यूल तैयार करने वाला,
सीएनजी और एलएनजी, बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार करने वाला राज्य बनना चाहिए। मैं इलेक्ट्रिक की बात करता था, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, जब इलेक्ट्रिक बस कार की बात करता था तो लोग मुझे पूछते थे कि गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा, स्कूटर के बारे में यही सवाल पूछते थे, पर आज कोई गाड़ी बंद नहीं पड़ी है। अब देश में 5 साल के अंदर सब बसेस इलेक्ट्रिक की हो जाएगी। मैंने मुंबई में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया है और कल ही नागपुर में एडवांटेज विदर्भ का कार्यक्रम हुआ जिसमें कोल इंडिया के सेक्रेटरी मीना जी, कोल इंडिया के चेयरमैन और डब्ल्यूसीएल के चेयरमैन थे। हमारे डब्ल्यूसीएल में मध्य प्रदेश का पार्ट भी आता है। अब कोयले से मिथेनॉल बन रहा है और मैंने अशोक लेलैंड के ट्रक बेंगलोर में मिथेनॉल का लॉन्च किया और 15% मिथेनॉल डीजल में डालकर बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट की 25 बसेस को चालू कराया, वो सक्सेसफुल हुआ। मध्य प्रदेश में पूरा छिंदवाड़ा और इधर कोयला पड़ा है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मिथेनॉल का रेट 22 रुपए लीटर है और डीजल का 110 रुपए लीटर है। कल ही मैंने कोल सेक्रेटरी और कोल इंडिया चेयरमैन को कहा है कि कोल माइन में जितनी मशीनरी लगती है उसको मिथेनॉल पे कन्वर्ट करो, ट्रक को मिथेनॉल पे कन्वर्ट करो, ताकि हमारे देश में 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल का होता है, डीजल और पेट्रोल के कारण प्रदूषण होता है। हमारे देश को अगर बचाना है तो इंपोर्ट को कम करना होगा और हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, और मध्य प्रदेश में यह क्षमता है और इसलिए नए दृष्टिकोण से नए विजन के साथ सोचना होगा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का अच्छा उत्पादन होता है। मैंने आज मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि जबलपुर का रिंग रोड बन रहा है, उसके बाजू में सरकारी जगह होगी तो हमें दीजिए, जगह के बदले में आपको पार्टनरशिप देंगे, हिस्सा देंगे, खर्चा हम करेंगे, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे ताकि जबलपुर की सब्जियां फल दुनिया के देशों में जाए। यह सब संभव है। मेरे क्षेत्र में मैंने किसानों की फार्मर प्रोड्यूस कंपनी खोली है, आईक्यूएफ खोला है और मैं हर महीने में 13 कंटेनर सब्जी अमेरिका और कनाडा भेजता हूं। आपका जो मटर है वो जबलपुर का हम खरीदी करके अमेरिका में और कनाडा में भेजते हैं, क्योंकि हमारे आईक्यूएफ में अगर उसको रखा तो साल भर सब्जी ताजी रहती है। ताज होटल वाले पूरे हिंदुस्तान के हमसे सब्जी खरीदते हैं। आज जबलपुर में आईक्यूएफ खोलने की आवश्यकता है, प्री कूलिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज अगर खोलेंगे तो किसानों को उनके फसल का सही दाम मिलेगा। वैसे मैं रास्ते का जरूर मंत्री हूं, पर मैं ज्यादातर गांव में और किसानों में काम करता हूं और मुझे 7 डिलीट्स डॉक्टरेट्स मिली है, जिसमें से 4 डॉक्टरेट मेरी एग्रीकल्चर साइंस के लिए है, क्योंकि मैं किसान में काम करता हूं। और मैं वो सपना देखता हूं कि इस देश में पेट्रोल डीजल नहीं आएगा तो इस देश का किसान इस देश के लिए ऊर्जा तैयार करेगा और हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने। अभी ट्रैक्टर कंपनी वालों को मैंने कहा कि यूरो 6 के नाम पर उन्होंने कहा कि आप मत जाइए, मैंने बोला मेरी कंडीशन है कि ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक पे बनाइए, ट्रैक्टर सीएनजी पर बनाइए, ट्रैक्टर एलएनजी पर बनाइए, ट्रैक्टर हाइड्रोजन पे बनाइए, अगर आप ट्रैक्टर बनाएंगे तो मैं विड्रॉ हो जाता हूं, मुझे एफिडेविट करके दो। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा कि जब दिल्ली आएंगे तो मैं आपको हाइड्रोजन के कार में घुमाऊंगा। हाइड्रोजन की देश की पहली कार मेरे पास है, मर्सिडीज में बैठकर जो आनंद मिलता है वैसी कार चलती है, ना धुआं निकलता है ना पानी निकलता है हाइड्रोजन पर। मेरे पास फ्लेक्स इंजन की कार है, ब्रोकन राइस, मक्का, आपके इतना मक्का होता है छिंदवाड़ा जिले में, वो मक्के से इथेनॉल बनता है, और मेरे पास टोयोटो की इनोवा गाड़ी है यूरो 6 नॉर्म पूरी करने वाली, जो 100% बायो इथेनॉल पर किसानों ने किया हुआ चलती है, जो दिल्ली में है, और 60% बिजली तैयार करती है। अगर एवरेज के हिसाब से अगर पेट्रोल से तुलना की जाए तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर होता है,
अब इलेक्ट्रिक की स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा आई। मैं बेंगलोर में गया था कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, अब पूरी तरह हाइड्रोजन पर, इलेक्ट्रिक पर बने। आपको जेसीबी का नाम मालूम होगा, उस कंपनी के एमडी को मैंने कहा कि हाइड्रोजन पर जेसीबी बनाओ, उन्होंने बनाया, अब अमेरिका में यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। उन्होंने यहां से सीएनजी पर जेसीबी बनाया हाइब्रिड मॉडल में, और 1000 जेसीबी का ऑर्डर जेसीबी कंपनी को मिला रशिया में भेजने का। आज देश बदल रहा है। हमारे देश में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। हमने हाईवे अच्छे बनाए और हाईवे में जाने के लिए समय नहीं लगता। आज आपको जहां मुझे पता है नागपुर से जबलपुर पहले कैसे रास्ता था, हमारे एक हाईकोर्ट जज उस समय यहां आते थे, बड़े त्रस्त होते थे, पेश में कैसा बना हुआ है, 3.5 घंटे में नागपुर जबलपुर हो जाता है, अब दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा, और इतना ही नहीं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे बन गए। अभी जिसका उल्लेख हमारे समाज कल्याण मंत्री कर रहे थे अरुणाचल में, पूरे देश में हाईवे बन गए। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को सिंगल डिजिट में लाना चाहते हैं। यह उसी समय संभव होगा कि हाईवे बनने से केवल नहीं होगा, हमको फ्यूल में भी बदल करना होगा, और इसमें रोजगार है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं वो बोलते आया हूं, और आज भी मैंने कही हुई एक भी बात ऐसी नहीं है जो सिद्ध नहीं हुई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश को ऊर्जा का केंद्र बनाइए। हाइड्रोजन एक्सपोर्ट होने वाला है, स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हवाई जहाज, रेलवे, ट्रक, बसेस, सब हाइड्रोजन पर चलने वाली है। टाटा और रिलायंस ने आईसी इंजन पर हाइड्रोजन की ट्रक तैयार कर दी है, और मध्य प्रदेश में कोयला है, कोयले से मिथेनॉल पर अब मशीन चलने का दिन अब दूर नहीं है। और इसलिए राज्य सरकार की ओर से इस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रदूषण मुक्त, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री नीति राज्य सरकार की होगी तो हमारी प्रगति और विकास का दर दुगना होगा। मैं विशेष रूप से राकेश सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि जब पिछले बार मैं आया था तो जबलपुर के रिंग रोड की उनने मुझसे बात की, जब प्रेजेंटेशन लिया तो 18-20 किलोमीटर का एक थुक पॉलिश शेप काम देखा मैंने, मैंने कहा इसको हटाओ, पूरा नया बनाओ। आज 3.5-4 हजार करोड़ का जबलपुर का रिंग रोड जिसके निर्माण की शुरुआत हो रही है, 2 रोपवे का काम, ये भी आज इसका भी लगभग पूरा हुआ है, जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। मैं तो बंगलोर में हवा में उड़ने वाली डबल डेकर बस शुरू कर रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भोपाल जैसे, इंदौर जैसे शहरों में हवा के ऊपर जाने वाली ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करिए। मैंने खुद होकर पानी में उतरने वाला हवाई जहाज लेकर मैं मुंबई के समुद्र में उतरा, बाद में मोदी जी ने मुझे कहा कि हवाई जहाज मुझे चाहिए, और साबरमती के रिवर फ्रंट से वो भी उड़कर सरदार सरोवर तक गए थे। मध्य प्रदेश में कितने तालाब हैं, कितनी झील है, ये आपका बेड़ाघाट में वहां पानी पे हवाई जहाज उतर सकता है, मुंबई से निकलेगा और डायरेक्ट बेड़ाघाट में उतर जाएगा, और वहां से उतर के डायरेक्ट भोपाल के एयर स्ट्रिप पर उतरेगा। एक कंपनी 100 हवाई जहाज खरीदी कर रही है। मेरा अनुरोध है कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में रिवोल्यूशन करिए। रोड तो अच्छे बने, अभी मैंने एक टनल का उद्घाटन किया था यही आपके रेवा में, कितनी सुंदर टनल बनी हुई है, कितने सुंदर ब्रिजेस बने हुए हैं। अभी मैंने मेरे क्षेत्र में एक केबल स्ट्रीट ब्रिज बनाया और वो ब्रिज को दोनों बाजू से कैप्सूल लिफ्ट लगाई, और ऊपर जाकर हमारा राष्ट्रीय प्रकल्प है गोसीखुर्द इंदिरा सागर, वो पूरा दिखता है, और 3 नदियों का संगम है, और नीचे में ऐसी पूरी ग्लास लगा दी है, तो ऊपर जाकर सब लोग ग्लास से नीचे देखते हैं, एफिल टावर की याद आती है। अब वहां लाइट एंड साउंड शो बन रहा है भगवान गौतम बुद्ध और भगवान शंकर जी के जीवन पर, तो टूरिज्म के लिए लोग आते हैं और वही हमारे रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। रोड अच्छे बन रहे हैं,
मध्य प्रदेश आगे जा रहा है। मुझे याद है कि आदरणीय पटवाजी जब ग्रामीण विकास मंत्री थे तो उन्होंने अटल जी को मेरे संदेशा लेकर आए थे और मुझे कहा था, मैं मुंबई में रहता था, कि अटल जी ने तुमको बुलाया। और मैं अटल जी को जब मिला था तो अटल जी ने मुझे कहा था कि अब तुमने शहर में तो बहुत फ्लाईओवर वगैरह बनाए, अब गांवों को जोड़ने वाली योजना तैयार करो। और पटवाजी ने और अटल जी ने मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी अपॉइंट की थी। 3 महीने मैंने अध्ययन करके वाजपेयी जी को रिपोर्ट दिया था और 15 दिन के बाद राष्ट्रपति जी ने उस योजना का घोषणा की थी, जिस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों में से करीब 3.5-4 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी व्यक्ति ने किया है, उस नेता का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके कारण है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले तो मध्य प्रदेश में हम 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, आपका जो उज्जैन का क्षेत्र है उसको एक मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ रहे हैं, बड़े बड़े 5 ग्रीन हाईवे 50,000 करोड़ के मध्य प्रदेश में बन रहे हैं, अभी तक 2 लाख करोड़ के कामों का शुभारंभ हुआ है। और इस 10 साल में मैं आपको वचन देता हूं कि मध्य प्रदेश में 3 लाख करोड़ के काम हम पूरे करेंगे। कुछ काम पूरे हुए, कुछ शुरू होंगे और मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलेगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की प्रगति हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, मध्य प्रदेश का विकास हो, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो और मध्य प्रदेश पर्यटन के दृष्टि से, खेती के दृष्टि से हमारे देश में एक शक्तिशाली राज्य है। मेरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन जी के नेतृत्व में अगर प्रगति और विकास में मध्य प्रदेश और आगे जाएगा। शिवराज जी ने भी अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश का विकास करने की पूरी और कोशिश की। मेरा विश्वास है कि यही मालिका, यही इतिहास को आगे लेकर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ये हिंदुस्तान के पहले 3 प्रगतिशील राज्य में आएगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और इस कार्य में भारत सरकार की ओर से, मेरे विभाग की ओर से जो भी उनको सहयोग लगेगा वो पूरा करने की कोशिश हम करेंगे, ये मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आदरणीय राकेश सिंह जी ने बड़ी जीत की और इसीलिए जबलपुर के अंदर का ब्रिज बन रहा है, बहुत कठिनाई आई, मभी उन्होंने मुझे बताया कि 80-90% पूरा हुआ है, मैं उनको बधाई देता हूं। जबलपुर रिंग रोड के लिए उन्होंने काफी कोशिश की, वो भी अब उनका सपना पूरा हुआ है। जो 3 किलोमीटर की बात कर रहे हैं वो राज्य मार्ग है, इसलिए थोड़ी अड़चन है, आप CRF का एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेज दो, उसको मैं मंजूर कर दूंगा। दूसरा जो आपने बताया वो भी छोटा है, वो भी दोनों CRF में प्रपोजल डाल दो, मैं जरूर मंजूर करके दूंगा। प्रहलाद जी के क्षेत्र में वो तकरार कर देते कि मेरे यहाँ हाईवे नहीं आता, पर मुझे खुशी है कि आज वहां भी हाईवे हुआ है और उनके यहां भी बड़े प्रमाण पर काम शुरू हुआ है। वीरेंद्र कुमार जी के क्षेत्र में भी उनने जितनी बातें कही, कुलस्ते जी ने जितनी बातें कही, वो पूरी करने का प्रयास हमने लगातार किया है। और मेरा विश्वास है कि इन सब क्षेत्र के विकास के साथ समृद्धता और संपन्नता आएगी। मैं फिर से एक बार जबलपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जबलपुर देश में विकसनशील शहरों में अगले पायदान पर आगे आएगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर आमंत्रित कर रही हूं RPC